अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ी बेक पास्ते की रेसिपी, जो कि हम विदाउट ओवन बनाएंगे। और दिस इज़ द परफेक्ट इटालियन रेसिपी विथ लो इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल भी बहुत कम करेंगे और इसका टेक्सचर सो चीज़ी क्रीमी और मतलब खाने में तो लाजवाब है। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त चीज़ी सी रेसिपी है, जो कि आप इजीली घर में विदाउट ओवन बना सकते हैं। और बहुत सारी मतलब इसमें तकरीबन इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं आपके जो अवेलेबल होंगे आपके पास घर में, सिर्फ चीज़ ऐसी होगी जो थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, पैन में पानी लेना है। उसमें हमने हाफ पैक मैक्रोनी के डाल दिए हैं। इसमें मैंने ऐड किया सॉल्ट और ऑलिव ऑयल, अगर हो आपके पास तो ऑलिव ऑयल डाल दीजिएगा। दिस इज़ द परफेक्ट टेस्ट फॉर इटालियन फूड्स, लेकिन अगर नहीं हो तो फिर नॉर्मल खाने वाला तेल जो आप घर में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं हम। ठीक है, अब इसको हमने करना है बॉयल, लेकिन आपने बिल्कुल 100% कुक नहीं करना है इसको, आपने 70% तक करना है, क्योंकि आगे हमें इसे मसाले में भी ऐड करना होगा, फिर बेक भी करना होगा। तो ये देखें 70% ये कुक हो चुकी है। इसको स्ट्रेन करके हमने रख देना है थोड़ा सा तेल लगा के साइड। दूसरी तरफ अब हम कर लेते हैं अपने मसाले की प्रिपरेशन, जिसके लिए हमने क्या करना है, 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। जो भी कुकिंग ऑयल घर पे अवेलेबल हो वो ले लें, लेकिन इटालियन डिशेज में ऑलिव ऑयल लगता है, तो अगर वो अवेलेबल हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तेल गर्म करने के बाद इसमें हमने एक मीडियम साइज़ की जो बड़ी प्याज होती है उसको इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है, इसको डालेंगे हम। थोड़ा सा सौते करेंगे और इसको बिल्कुल परफेक्टली ब्राउन नहीं करना है, जैसे हम देसी फूड्स में बना रहे होते हैं ब्राउन करने के लिए, बस इतना सौते करेंगे कि थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगी, इस तरीके से नर्म सी हो जाएगी। अब ये देखिए, इस कंडीशन के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन के क्यूब्स। तो मैंने चिकन को ना इस तरीके से स्मॉल क्यूब्स में बना लिया है। ये देखें इस तरीके से, आपने चिकन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप जितने चाहें उतनी डाल दें। ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, तब तक फ्राई करेंगे तब तक जब तक चिकन अपना कलर चेंज नहीं करता। तो ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इस स्टेज पे आके अब हमने इसमें ऐड करना है 2 जो नॉर्मल साइज़ के टमाटर होते हैं, उसको हमने इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। सीड्स नहीं निकालनी है, नॉर्मल बस टमाटर जैसे कट करके डालते हैं वैसे डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें जो मोटी मिर्ची होती है ना, ये हमने कैप्सिकम का इस्तेमाल नहीं किया, शिमला मिर्च नहीं है, क्योंकि इसका अलग टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये मैंने मोटी मिर्च इस्तेमाल की, इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आ रहा था, तो यही इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद जो हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट डाले ना, जिसका टेक्सचर जो टमाटोज के साथ मिलेगा तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा, दैट इज़ व्हिपिंग क्रीम। हमने नॉर्मल क्रीम नहीं यूज़ की, हमने व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया, जो हम बेसिकली केक बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टोमाटोज एंड व्हिपिंग क्रीम द परफेक्ट टेस्ट, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं 3 टेबल स्पून टोमेटो सॉस, या फिर आपके पास टोमेटो प्यूरी हो घर में, या फिर केचप हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा। ऐड करके हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट तक इसको हमने पकाना है इसी तरीके से। ये देखें जब इसका कलर इस तरीके से हो जाएगा, अब इसमें ऐड कर रहे हैं वाइट पेपर, यानी कि सफ़ेद जो मिर्ची होती है ना वो, उसका पाउडर 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आपके पास वाइट पेपर नहीं हो तो फिर आप ब्लैक पेपर का इस्तेमाल करिएगा, लेकिन कोशिश करेंगे वाइट पेपर डालने, उसका एक अलग टेस्ट आएगा इसमें। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके हम दम देंगे। तो ये देखें ये हमारी यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर में आ चुका है हमारा मसाला। अब इसमें हम ऐड कर देंगे अपनी बॉयल की हुई मैक्रोनी। मैक्रोनी को जब आप छान के रखेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा तेल लगा के रखा करें, ताकि वो चिपके नहीं आपस में। इससे पहले भी मैं बहुत सारी मैक्रोनी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। और तो ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी मैक्रोनी मिक्स हो चुकी है और ये बहुत ज़बरदस्त सा टेक्सचर लग रहा है। अब हमने क्या करना है, फॉइल टिन लिया है मैंने, अगर आपके पास कोई भी ओवन प्रूफ टिन हो या फिर ट्रे हो तो आप उसमें भी बेक कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने तमाम मैक्रोनी को अपने फॉइल टिन में ऐड करना है। तो ये मैंने तमाम मैक्रोनी अपनी टिन में ऐड कर दी है और अब इस पर हम द बेस्ट पार्ट, दिस इज़ चीज़, यानी अब हम इसमें डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो ये चीज़ से हम इसको कवर कर देंगे। जितनी चीज़ी लवर हैं आप उस
इतनी चीज़ डाल दें उससे टेस्ट और इन्हेंस होगा, कोई इशू नहीं है। कम डालें अगर आपको कम पसंद है, अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें। अब हम इसको बेक कर रहे हैं पैन के अंदर। आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं। अब पैन में हमें बेक करना है इसको 25 मिनट के लिए, ठीक है, ताकि अच्छे से चीज़ मेल्ट होगी, कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए, क्योंकि पैन में जो है ना वो ओवन वाला कलर नहीं आता। लेकिन फिर भी देखें इसका कलर बहुत अच्छा आया था। तो ये ज़बरदस्त हमारा चीज़ी पास्ता रेडी है। तो ये देखिए इतना ज़बरदस्त इसका कलर आया, चीज़ भी बहुत बेहतरीन मेल्ट हुई है। द परफेक्ट चीज़ बेक पास्ता हमारा रेडी है। आई होप कि रेसिपी आपको पसंद आई होगी। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट में कि आपकी पास्ता कैसा बनाता है। चलिए जी इसको सर्व कर लेते हैं। ये देखें द टेक्स्चर ऑफ चीज़ इज़ आउटस्टैंडिंग। खाने में बहुत ही लाजवाब था। पहले तो मैं बहुत ही कन्फ्यूज थी कि टोमेटोज़ एंड व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट कैसा होगा, लेकिन बहुत 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 ही ज़बरदस्त है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी बेहतरीन रेसिपी है। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। साथ में मुझे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो से अप टू डेट रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, लव यू।